ओम शांति। परमपिता परमात्मा के नूरे रतुन, हमारी दादी का जन्मदिन है, नया वर्ष का शुभारंभ है। ये पावन दिन कितना सुख दे रहा है, इसकी अनुभूति आप सभी कर रहे हैं। जहां तक हमारी दादी का प्रश्न है, मैं जब से संकल्प में आया, जब से संपर्क में आया, संसर्ग में आया, आशीर्वाद के परिक्षेत्र में आया, तो मैंने सदगुणों को ही देखा है। और मुझे बाबा ने यज्ञ में बहुत जगह जाने का, सेवा करने का, मिलने का मौका दिया, लेकिन ऐसी दादी, ऐसा व्यक्तित्व मुझे दादी जानकी के बाद यही मिली है। मैं दिल से बोल रहा हूं, दादी का जो त्याग, जो दादी का, जिसे कहते हैं किसी चीज से कोई भी लगाव नहीं है, भौतिक वस्तुओं से जो सेंटर बनाया, बहनों को दे दिया। यहाँ पर भी जब पहली बार मैं इसलिए जी बताना चाहता हूँ, इस यज्ञ में अपने अपने सेंटर, अपने अपने विद्यार्थियों का भारी चरण था, लेकिन इस चरण को दादी ने पूरे प्रदेश की बड़ी बड़ी वरिष्ठ बहनों को बुलाकर और उस दिन जब बोला ये सब तुम्हारा है, जो आप चाहे इसमें करें, मेरी तो उम्र बहुत हो गई है, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि दादी जानकी जैसा कहती है, मेरा तेरा मेरा छो, दादी जानकी के हर बात को अच्छा से पालन करते हुए हम सबकी पालना करती हैं। इनका हृदय इतना विशाल है, मैंने बड़े नजदीक से देखा है। दादी ने शायद समझा तो हो गई, मैं बहुत अंतर मन से देखता हूँ। बाबा ने ये सब दिया है और परख भी हो जाती है, इनके दिल इतना कोमल है, इतना विशाल है, इतनी क्षमाशीलता है, इसका आप इन्हें जो अंदाज नहीं कर सकते हैं। और ये गुण परमात्मा के गुण हैं और ये प्रकट करते हैं कि जब बाबा से इनका असली लगाव है, यज्ञ के नियमों में असली आस्था है, और यज्ञ के नियमों के अनुसार यज्ञ को आगे बढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं, जितने कम हमारे पास शब्द हैं जिससे मैं इसका वर्णन करूं, मैं यही कामना करता हूं कि दादी जब मैं आया तो इनकी अभिलाषा थी कि बड़ा सा हॉल बन गया है, यहाँ कुछ लोग आएंगे। तो पिछले फंक्शन में जब दादी ने देखा तो उनका हृदय विशाल हो गया, बहुत खुश हुई। हम सबका ये दायित्व है कि हमारी सेंटर की बहने या हम सब लोग हैं कि अब इस ओर पर हम दादी को खुश रखें। जो इनके दिल की यज्ञ के लिए अभिलाषा है, जो लोगों के लिए ज्ञान प्रसार की अभिलाषा है, उसे हम जुटकर बाबा को प्रचार करके उसको आगे बढ़ाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है भाई साहब भगवति सागर यहीं आए, बहुत अच्छी बात। ये सब चीजें बाबा की पूर्ण नहीं हुई, जब का ड्रामा फिक्स है ना, तो ये है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो हमारा तपोवन का सेंटर है, वो जितने भी सेंटर हैं, जो भी यज्ञ का काम है कानपुर में और आसपास, बहुत आगे बढ़ेगा। इस अभिलाषा के साथ मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई देता हूँ। अपनी दादी को सतायु से ऊपर होने की कामना करता हूँ, क्योंकि सतायु तो हमारे यज्ञ में अब सहज बात हो गई है, क्योंकि हम सभी से बोलते हैं ना कि हमारी दादी 103 वर्ष की है। क्योंकि स्पिरिचुअल लीडर विश्व में, चाहे वो धर्म प्रचारक हो या कोई व्यक्ति हुआ हो, आज तक कोई भी आध्यात्मिक या धर्म गुरु इस आयु को प्राप्त
और ये सब बाबा का करिश्मा है, राजयोग का करिश्मा है। इस करिश्मे से हम लोग सभी समाज को लाभान्वित करें, विद्यार्थियों को करें, नेताओं को करें, समाज को करें, महिलाओं को करें, युवकों को करें, तभी जो ये अच्छे संसार की कल्पना या विश्व शांति की कल्पना तभी साकार होगी। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः हृदय से बधाई देता हूँ।